नहीं दिखा नतीजों में। मुरैना से बीजेपी के शिव मंगल सिंह तोमर जीत गए हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, सत्यपाल सिकरवार को जनता ने नकार दिया है, शिव मंगल सिंह तोमर पर विश्वास दिखाया है। मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटों का हाल लगभग ऐसा ही रहा है, कमल खिला है। हम बात करेंगे वोटों के अंतर की, वोट प्रतिशत किसको कितना मिला है, क्योंकि उसी के जरिए अब खुद को डिफेंड भी करेंगे यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन बड़ी तस्वीर यह है कि एमपी में जो मिशन 29 था बीजेपी का, वो बीजेपी ने हासिल कर लिया है। तो लगातार ये बदलते हुए आंकड़े, और सबसे पहले न्यूज 18 नेटवर्क आपको अपडेट कर रहा है, हर चीज से अपडेट कर रहा है किस तरह से ये स्थितियां धीरे धीरे बदली। बहुत दिलचस्प, जो चुनाव शुरुआत में एकदम उदासीनता भरा हुआ था, किसी को अंदाजा नहीं था कि आखिरी वक्त तक ये किसी युद्ध के मैदान में तब्दील हो जाएगा। एक एक सैनिक पर किस तरीके से जो साजो सामान है, किस तरीके से वो तैयार किया जाएगा, युद्ध किस तरफ जाएगा, अब बहुत दिलचस्प। और ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भले ही बीजेपी फायदे में नजर आई, लेकिन देश में नुकसान उठाना पड़ा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से। हालांकि दक्षिण भारत की तरफ अभी निगाहें रखनी होंगी। बिल्कुल, और 58% से 68%, 70% लेकर जाएंगे वोट प्रतिशत, ये बीजेपी ने पहले कहा था। खरगोन से बीजेपी के गजेंद्र पटेल ने जीत हासिल कर ली है, तमाम सीटें अब क्लियर हो रही हैं और यहाँ सर्टिफिकेट की औपचारिकता, उसके बाद वोटों का अंतर सामने होगा। लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि 68 से 70% तक वोट बैंक लेकर जाएंगे, अब उस पर देखना होगा, क्योंकि 29 की 29 तो बीजेपी अपने पाले में खींचने में कामयाब रही है, और इसी पर मंथन करना होगा कांग्रेस को कि क्या वजह रह गई कि अगर देश में अच्छा किया है तो मध्य प्रदेश में क्यों पिछड़ गए। क्योंकि कुछ कहा जा रहा है कि आंतरिक कलह है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को खींच लिया, ये भी एक बड़ी वजह रही है। और बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ी हुई है, उससे भी तारुफ करवाएंगे, लेकिन बड़े अपडेट की बात अब कर ली जाए। बड़ा अपडेट आपको दे दें, रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स में आने वाली है। छिंदवाड़ा में अभेद्य किले में हार है कांग्रेस छिंदवाड़ा। तो नकुलनाथ तो पहले ही काउंटिंग सेंटर से बाहर चले गए थे, और कमलनाथ का बयान भी आ गया था कि जो है सो है, क्या कर सकते हैं, देखना होगा। और कमलनाथ का यही जो एटीट्यूड कह लीजिए, नजरिया कह लीजिए, कि उनका जब उनकी सरकार गई तब भी उन्होंने कहा जिसको जाना है तो जाए। विवेक बंटी साहू ने बड़ी जीत छिंदवाड़ा में हासिल की है, और बहुत ही बड़ी खबर है ये तो, छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बड़ी हार। यही मैं आपको कुछ सेकंड पहले बता रहा था, एक अभेद्य किले में जिसके बारे में कहा जाता था कांग्रेस के नाम से, कमलनाथ के नाम से यहां किसी को भी खड़ा कर दीजिए, ऐसा शब्द भी कहा जा सकता था जो गरिमापूर्ण नहीं है, वो जीत जाएगा कमलनाथ के नाम पे। उसी किले को बीजेपी के संगठन ने ढहा दिया, न सिर्फ ढहाया बल्कि बुरी तरह ढहाया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस की बड़ी हार, और मेरा ख्याल है पढ़ना तकरीबन 3 घंटे पहले ये लीड 2 लाख की थी तकरीबन। तो जिस तरह से आपने कहा कि छिंदवाड़ा में किसी को भी खड़ा कर दीजिए कमलनाथ के नाम से, वो जीत जाएगा, लेकिन कमलनाथ के बेटे को ही नकार दिया गया। और कुछ देर पहले मेहमान जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, वो इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि देखिए, खुलकर बड़े नेताओं ने कमलनाथ से कहा कि आपसे दिक्कत नहीं है, आपके बेटे से दिक्कत है। और यहां कमलनाथ को प्रचार में के लिए छिंदवाड़ा तक ही सीमित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी छिंदवाड़ा ये गढ़ कमलनाथ नहीं बचा पाए। अब मंथन करना होगा, क्या कांग्रेस की एक पंक्ति के एक नेता ऐसे भी है जो चाहते थे कि कमलनाथ हार ही जाए, ताकि उसके बाद बात हो सके कि आपने कितना क्या बिल्कुल किया। क्योंकि कांग्रेस दरअसल कांग्रेस नहीं है, मध्य प्रदेश कांग्रेस नहीं है, कमलनाथ कांग्रेस है। जब तक ज्योतिरादित्य थे, ज्योतिरादित्य कांग्रेस थी, फिर एक अजय सिंह कांग्रेस थी, फिर एक दिग्विजय सिंह कांग्रेस है, और अब एक जीतू पटवारी कांग्रेस है, एक उमंग सिंघार कांग्रेस है। ये इस वजह से भी, ये राजनीति का विश्लेषण है, ये इस वजह से भी हम आपको छत्तीसगढ़ चलते हैं। मुख्यमंत्री साय यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, देखते हैं क्या कहते हैं। अनुमति आप सबकी, तो
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का भाजपा कार्यालय आगमन हुआ है, उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं उनसे आग्रह करता हूं लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उस पर आप सबको संबोधित करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का आज परिणाम आ रहा है और मुझे बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीट में विजय होना तो सुनिश्चित हो गया है और एक सीट में भी अभी काउंटिंग चल रही है और हमको पूरा विश्वास है कि काउंटिंग फिनिश होते होते वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी अवश्य जीतेगी। और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के समस्त देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। उनकी गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाता ने मोहर लगाया है, तो बहुत बहुत उनको धन्यवाद बधाई देते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने नौतपा जैसे तपती गर्मी में भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए परिश्रम किया। और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी धन्यवाद देते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी सहित हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों, केंद्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी को भी बधाई देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश नेतृत्व भी बहुत परिश्रम किया। श्री नितिन नवीन जी जो हमारे चुनाव के प्रभारी थे उनका भी मार्गदर्शन मिला और भी हमारे माननीय शिव प्रकाश जी सबका मार्गदर्शन मिला, सबने परिश्रम किया और सब हम लोग मिलकर एक ऐतिहासिक सफलता यहां पर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में दिलाए। देखिए, अभी तो काउंटिंग कंटिन्यू है, अंत होने दीजिए, अभी कई राउंड की गिनती बाकी है और जो हम लोगों का नारा था उसके हम लोग करीब में हैं और कई प्रदेशों में हमारा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है तो कई प्रदेशों में अच्छा भी रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ऐसे प्रदेशों में तेलंगाना है, ऐसे मतलब प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा है। देखिए, उड़ीसा में भी हमारा लगातार जाना हुआ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए, हमारे प्रदेश के और बहुत सारे नेता भी गए और वहाँ भी मोदी की गारंटी का जादू है, वहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी गए, हमारे गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी गए और जो मोदी की गारंटी, वहाँ का जो चुनावी संकल्प पत्र है उस पर उड़ीसा की जनता ने विश्वास किया है और वहाँ प्रदेश में भी 24 साल जो लगातार वहाँ पर बीजेडी की सरकार चल रही थी उससे वहाँ की जनता उकता गई थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश वहाँ की जनता दे रही है और लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन है। देखिए, एक तो ये इंडी गठबंधन वाले लगातार झूठ का सहारा लिए, चुनाव बंद हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा आदि आदि जो झूठ का सहारा लिए, हमको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके झूठ का असर चल गया, लेकिन अभी काउंटिंग लगातार जारी है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि वैसे सरकार तो स्पष्ट बहुमत में एनडीए की बनी रही है। सर, पिछली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल,
छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाया है और हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। अब अंतिम आंकड़े तो अब काउंटिंग पूरी होने दीजिए, वो तो ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। चलिए धन्यवाद, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत धन्यवाद।